अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चार टर्म्स को देखना चाहेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन होंगे वो चार टर्म्स क्या हैं। और चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री चैप्टर्स, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ही रिलेटेड चार टर्म्स हैं जिनको सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं चारों टर्म्स को स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली टर्म बेटा जो है दैट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? देखिए वाइब्रेशन की जो डेफिनेशन बुक में मेंशन है दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मिसाल के तौर पर अगर ये मीन पोजीशन है और एक बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर यहां से मूव करना शुरू करती है, मूव करते करते दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है और वापस उसी जगह पर आ जाती है जहां से उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गोज ऑन बी देन ऑन ओ देन ऑन बी एंड देन कम बैक ऑन द पॉइंट ए। सो दिस इज द कंप्लीट राउंड ट्रिप, इसे वाइब्रेशन बोलते हैं। वाइब्रेशन के साथ ही दूसरी टर्म एसोसिएटेड है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? ये तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है, इस कंप्लीट राउंड ट्रिप को कितना टाइम लगा उस टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। यानी टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप और कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में टाइम लेती है उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। And time period is represented by capital T. So मैं दोनों को relate करता चलूँ दोबारा। First term is vibration. तो about the mean position जो body एक complete round trip करती है उसे vibration बोलते हैं। और जो body इस complete trip के लिए time देती है उसको हम time period के नाम से जानते हैं। Number three जो बात आपको बताने चलूँ। Number three के ऊपर जो हमारे पास term है that is frequency. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इंटर रिलेटेड है, इनका जो रिलेशनशिप है उसको भी बताता हूं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ साइकल्स को कहते हैं या वाइब्रेशंस को। साइकल्स और वाइब्रेशंस एक ही सेंस में यूज होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ साइकल्स वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इन वन सेकेंड। बॉडी के साथ एक टर्म मैंने यहां पे मिस की है तो स्पेस अवेलेबिलिटी की वजह से, तो मैं ब्रैकेट में वाइब्रेटिंग लिख देता हूं। सो एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकल्स प्रोड्यूस करती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है उसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और बुक में यह भी टर्म मेंशन है कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। उसको अगर मैथमेटिकली देखें तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड के बराबर है। फ्रीक्वेंसी का जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो है हर्ट्ज, ठीक है। इसको हम एच जेड के नाम से जानते हैं, कैपिटल एच स्मॉल जेड। एंड इन द लास्ट जो टर्म मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है नंबर फोर पे, वो मेरी टर्म जो है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीन एग्जांपल्स हमने पढ़ी है, मैच स्प्रिंग सिस्टम, वॉलेट बॉक्स सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। तीनों की तीनों एग्जांपल्स में हमने ये देखा है कि बॉडी जो है वो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऑन द एक्सट्रीम पोजीशंस मूव करती है और उस मूवमेंट को हमने डिटेल से पढ़ा। मैं उसमें एक बात बताता चलूं कि जब कभी भी बॉडी एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करती है, सपोज कि ए हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, बी हमारी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, तो ओ से ए तक मूव करते हुए बॉडी एट दैट इंस्टेंस उस लम्हे में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उस वाइब्रेशन के दौरान, एक वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं एक कंप्लीट राउंड ट्रिप की, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाती है और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं।
in the maximum displacement covered by the vibrating body on the either side of mean position, that is called amplitude. So I hope कि आपको ये चारों terms clear हो गई होंगी. मैं इनका form से पहले review देता चलूँ आपको. Vibration से start किया तो vibration के regarding मैंने ये बताया इस example की मदद से कि the complete round trip of a vibrating body about its mean position. एक body जो अपने mean position के इर्द गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है उसे vibration में. और उस चक्कर को मुकम्मल करने में जो बॉडी टाइम ले रही है उसे बॉडी का टाइम पीरियड कहते हैं. तो ये दोनों इंटरलेटेड टर्म्स एक्सप्लेन होंगे. फिर आ गया फ्रीक्वेंसी. तो कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर बॉडी जितनी साइकल्स या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. मिसाल के तौर पर एक बॉडी जो है 50 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है एक सेकंड के अंदर, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी उसी तरह से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज ये कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है. टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 ओवर f. एंड इन द लास्ट एम्पलीट्यूड एक्सप्लेन किया. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. तो ये चारों टर्म्स एक्सप्लेन कर दी गई. आई होप कि आपको ये क्लियर होगी. नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशंस. अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस के वर्ड से तो आप वाकिफ रखते हैं, लेकिन अब ये डैम्प्ड का वर्ड जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा समझना उसके लिए मुश्किल. अभी नया एक वर्ड आपके लिए, ये वर्ड की एक्सप्लेनेशन आपको भी मिल जाएगी. बट उससे पहले मैं इस टॉपिक का आगाज करता चलूं, जनरल वे में पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं. डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी सिंपल. डेफिनेशन अगर हमें क्लियर हो जाती तो टॉपिक समझने में इंशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम. डेफिनेशन ऑफ द वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस. सो आई विल यूज द वर्ड ऑसिलेशंस, दैट इज बेटर बिकॉज़ टेक्स्टबुक में ऑसिलेशंस का वर्ड यूज हुआ. द ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सिस्टम इन presence of some resistive force is called damped oscillations. यहां पे सिस्टम का वर्ड रेजिस्टिव फोर्स, ये दो चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखिए सिस्टम से मुराद है जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एग्जाम्पल पढ़ी मैस स्प्रिंग की, सिंपल पेंडुलम की, बॉल एंड बॉल की, तो उनके साथ एक सिस्टम का वर्ड अटैच था. सिस्टम से मुराद है निजाम, इन जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं. मैस स्प्रिंग सिस्टम में मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या थे? एक स्प्रिंग था, एक बॉडी थी जिसे हमने मैस का नेम दिया, जो स्प्रिंग के साथ अटैच थी, उसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमने रखा होता, तो दैट फॉर्म्स अ सिस्टम. इसी तरह कोई भी सिस्टम हो सकता है जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है. कार का जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है दैट इज कनेक्टेड टू द शॉक्स, तो कार के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम है जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, जिसको आपकी बुक लेटर ऑन एक्सप्लेन करती है. तो मैं आपको बता देता हूं सिस्टम से मुराद है कोई भी ऐसा निजाम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट करता है और वो सारे कंपोनेंट्स मिलकर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे. तो जब आप किसी सिस्टम की वाइब्रेशंस को देखेंगे वो किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, किसी रुकावट या मजामती फोर्स की वजह से उसकी ऑसिलेशंस कम हो रही है, ऑसिलेशंस कंट्रोल में आ रही है, सडन नहीं है, वायलेंट नहीं है, एकदम से वाइब्रेशंस कंट्रोल में आ जाती है, रुक जाती है, सो वी कॉल दैट डैम्प. इस उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डैम्प. डैम्प से मुराद बेसिकली ये है कि किसी चीज में खातिर खा कमी वाकया होना, दैट इज रेफर्ड एज डैम्प. अब डैम्प ऑसिलेशन की एग्जाम्पल और उसकी एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग में देता चलूं. इसकी एक्सप्लेनेशन देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लेट मी स्टार्ट. एक्सप्लेनेशन में जो सबसे पहली चीज आपने सीखनी है, सपोज करें आपके पास एक सिस्टम और सिस्टम ऐसा है जो प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशंस, ठीक है. और अगर वाइब्रेशन एक सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है और इन वाइब्रेशंस में किसी वजह से, किसी मजामती फोर्स की वजह से जिसको आप
फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, इससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से उसकी वाइब्रेशंस के अंदर एक खातिर खाह कमी आती है। एक सिस्टम है, सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से उसकी वाइब्रेशंस रिड्यूस हो जाती है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद ना हो तो सिस्टम की जो वाइब्रेशंस हैं वो इनडेफिनेट। मिसाल के तौर पर यहां पे एक मिसाल देता चलो, गाड़ी के अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं। एब्जॉर्बर का मकसद क्या है उसको आज हमने डिटेल से पढ़ना है, बट लेट्स अस्यूम हम एक ऐसे इरा में रह रहे हैं जब गाड़ियां तो इन्वेंट हो गई लेकिन उनकी शॉक्स का प्रॉब्लम मैकेनिकल इंजीनियर्स को फेस करना पड़ रहा था। बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर कार के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिजाइन करने में बड़ी महारत रखते हैं, तो उन्होंने ना कार की बॉडी फ्रेम और टायरों के एक्सल्स के साथ कुछ स्प्रिंग्स अटैच किए पड़े। स्प्रिंग इस तरह के अटैच किए कि गाड़ी जब भी किसी अनबैलेंस सरफेस या बिट्स और बम्स वाली सरफेस, जिसे आप घड़े या खड्डे कहते हो, उर्दू कहते हैं, उनसे गुजरती थी तो गाड़ी इनडेफिनेटली वाइब्रेट करना शुरू कर देती थी। यानी इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होती थी कि गाड़ी की वाइब्रेशन कंट्रोल भी नहीं आती थी। उसकी वजह थी कि जब गाड़ी एक बिल्कुल स्मूथ सर्फेस पर चल रही है तो वाइब्रेशन कंट्रोल में, जैसे ही कोई रुकावट का सामना हुआ, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सामना हुआ, तो स्प्रिंग्स ने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी वायलेंटली, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। जब तक वो वाइब्रेशन कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक कार अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर वापस नहीं आ सकती। तो इससे ये पता चला कि अगर हम एक आइडियल सिस्टम की बात करें, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसको रियल लाइफ में अचीव करना पॉसिबल है, so we are dealing with the ideal system because we are describing the theory. So एक ideal system की vibrations indefinite है, यानी जिसको control करना possible ही नहीं है, वो तब तक indefinite है जब तक कि वो system की vibrations को frictional forces का सामना ना करना पड़े। और याद रखिए moving body जो है, चाहे वो vibrations produce कर रही है किसी भी sense में है, तो मूविंग बॉडी की जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज काइनेटिक एंड द अदर इज पोटेंशियल। सो अल्टीमेटली मैं उसको कंबाइन करके एक ही टर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो पता ही चला कि जैसे ही एक आइडियल सिस्टम की वाइब्रेशंस इनडेफिनेट है, उन इनडेफिनेट वाइब्रेशंस को डेफिनेट बनाने के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रोड्यूस करनी पड़ती है सिस्टम में, ठीक है, जिससे डेफिनेशंस वाइब्रेट हो जाती हैं, सॉरी वाइब्रेशंस जो है वो डेफिनेट हो जाती हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, और सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एक आइडियल सिस्टम था उसकी वाइब्रेशन इनडेफिनेट थी तब तक जब तक फ्रिक्शनल फोर्सेस का सामना नहीं था, और रियल लाइफ में फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, कोई भी चीज 100% स्मूथ नहीं होती, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वाइब्रेशंस बिकम डेफिनेट और मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की रिड्यूस हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, तो वाइब्रेशंस कंट्रोल में आ जाती है। अब बुक इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती है कार के शॉक एब्जॉर्बर की। कार की शॉक एब्जॉर्बर की अगर मैं एग्जांपल देता चलूं तो आप जरा इधर व्हाइट बोर्ड पे अगर फोकस करें तो यहां मैंने एक शॉक एब्जॉर्बर की एग्जांपल दी है और उसकी डायग्राम ड्रॉ की है। ये डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में मिल सकती है। डायग्राम में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक इस शॉक एब्जॉर्बर का अपर पार्ट जिसके साथ मैंने ये मेंशन किया है दैट इज अटैच्ड टू द कार फ्रेम, और एक लोअर पार्ट है जो कार बॉडी के साथ अटैच है, कार एक्सल के साथ। ये कार एक्सल से अटैच है, ये कार फ्रेम से अटैच है। बेसिकली ये टायर और कार बॉडी के दरमियान एक कनेक्शन का रोल प्ले करता है। अब जैसे ही आप इसमें ये ऑयल भी प्रेजेंट है, ऑयल आपको पता है ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी अच्छी खासी विस्कोसिटी होती है जो चीजों की मोशन को स्लो डाउन कर सकता है। तो कार जैसे ही जिसमें शॉक्स अवेलेबल है किसी भी ऐसी सरफेस से गुजरती है जिसमें बिट्स और बम्प्स होते हैं, तो कार के शॉक्स जो है वो इनडेफिनेट वे में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं।
as soon as the car moves from an unbalanced surface, unbalanced surface से भी मुराद है कि एक ऐसी सतह जिसके ऊपर गड़े और खड्डे जिसे bits और bumps कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो मौजूद है, तो कार के शॉक्स फॉरन इनडेफिनेट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर इनडेफिनेट वाइब्रेशंस होगी तो आप तो कार में बैठने ही छोड़ देंगे, क्योंकि हर मोड के ऊपर कोई ना कोई सड़क में प्रॉब्लम होती है, इस तरह तो कार हमेशा वाइब्रेशन में रहेगी। तो इंजीनियर्स ने उसका सोल्यूशन ये निकाला, उन्होंने शॉक्स को डिप कर दिया एक विस्कस लिक्विड यानी ऑयल के अंदर, ठीक है, जिसे शॉक ऑयल कहते हैं। शॉक्स का ऑयल सेपरेटली बाजार से मिलता भी और फिर भी होता है। तो ये शॉक्स की वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो मज़ाहमती फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस करने वाली एंटिटी है वो है ऑयल। यानी ऑयल इनडेफिनेट वाइब्रेशंस को फौरन से पहले क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो वाइब्रेशंस हैं दे आर डेड। यानी इनिशियली वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब चूंकि उस स्प्रिंग ने, उस जो शॉक एब्जॉर्बर ने जिसने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर लिए, दैट इज बीन डिप्ड इनटू द ऑयल, आधा पार्ट ऑयल में डिप्ड है, तो चूंकि वो ऑयल में डिप्ड है इसकी वजह से उसकी डेप वाइब्रेशंस जो है वो फौरन से पहले डैम्प हो जाएंगी, यानी ऑयल उसकी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और कार फौरन से पहले नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है। सो दिस इज द फिनोमेना यूज्ड इन द प्रैक्टिकल कार्स। तो मैंने आपको टोटल तो फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट जो इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, वो देखिए क्या है कि कार की जो वाइब्रेशन है, प्रोड्यूस वाइब्रेशन है कार सिस्टम के शॉक्स की, वो टाइम के साथ किस तरह डिक्रीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑयल। तो मैंने यहां एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ का एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस, सपोज करें ये वाई एक्सिस है बेटा और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया गया। अगर आप गौर करें तो ग्राफ इनिशियली जब शॉक एब्जॉर्बर्स वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनिशियली वेव का एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वेव की आप शेप देख रहे हैं वो स्मॉल होती जा रही है, इसका मतलब है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? एम्पलीट्यूड कम करने के पीछे जो मेन रीजन है दैट इज ऑयल जो रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इनिशियली अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही, लेकिन आहिस्ता 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 डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम ऑब्जर्व करें वाई एक्सिस पे, इनिशियली ये है उसके बाद कम हो गया फिर और कम फिर और कम। सो दिस इज हाउ द ग्राफ प्रिडिक्ट्स दैट द वाइब्रेशंस ऑफ द शॉक प्रेजेंट इन द कार आर कंट्रोल्ड बाय द ऑयल, बिकॉज ऑयल plays the role of the resistive force for the vibrations and control the vibrations, therefore we said the vibrations or the oscillations are being damped. So this was the whole topic regarding the damped oscillations. Now let me review that all. Initially humne chart terms se start kiya tha apna lecture, pehli term humne dekhi thi that was vibration, phir humne dekha time period, तो दोनों को बताना चाहता हूँ। वाइब्रेशन मैंने बताया कि अगर एक बॉडी जो है वो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करती है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, तो उस एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम वाइब्रेशन बोलते हैं, और जितना बॉडी टाइम लेती है उसके लिए एक वाइब्रेशन के लिए उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और एक सेकेंड में बॉडी जितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है वो 100 भी हो सकती है, 50 भी, 1000 भी, 1 लाख भी, दैट डिपेंड्स। तो उन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को या साइकल्स को या ऑसिलेशंस को हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इंटररिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी इज रेफर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इज रेफर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी हर्ट्ज है, और दूसरी चीज जो एम्पलीट्यूड था वो मैंने बताया कि एक वाइब्रेशन के दौरान बॉडी मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम फास्ट था उस वाइब्रेशन में, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और हर वाइब्रेशन के बाद एम्पलीट्यूड पहले से डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस देखा, वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी, फिर उसकी एग्जाम्पल दी कार शॉक एब्जॉर्बर की, आपने वेव मोशन का टॉपिक नेक्स्ट उसको आपने रीड करना, और उससे पहले डैम्प्ड ऑसिलेशंस को अच्छी तरह से कंप्लीटली लर्न करना है, जहां पे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का थर्ड टॉपिक
पेंडुलम एंड होता है उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर चारों टर्म्स डिस्क्राइब्ड हैं, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। वो चारों लर्न करने के बाद उस पेज के बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे तो आपको टाइम ऑसिलेशंस की हेडिंग मिलेगी। वो पूरा टॉपिक एंड तक जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक आपने लर्न करना है, दोनों डायग्राम्स की भी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी। तो अगला हमारा जो टारगेट है दैट इज वेव मोशन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी भी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक देना चाहिए तो वॉलंटियर भी आप दे सकते हैं। वी विल क्यूरियसली वेट फॉर दैट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।